सरस्वती कावेरी जीवन कारण मूल तत्त्वं नदी राष्ट्रस्य महाअमृतं भारतम्। हिस्ट्री में हम एक कदम और आगे बढ़ेंगे और बड़े समय से इंतज़ार हो रहा था एक लेक्चर का, 1857 के रिवॉल्ट का। कंटिन्यूस मैनर में आज हम ये डिक्लेयर लेक्चर डिलीवर करेंगे। इसके दो पार्ट रहेंगे। आज के पार्ट में सारे एस्पेक्ट कवर करा दिए जाएंगे, कुछ नहीं छोड़ा जाएगा। लेकिन एक क्वेश्चन बहुत फेमस रहता है कि 1857 के रिवॉल्ट का नेचर क्या था। वो जो नेचर का क्वेश्चन है ना, मैं चाहता तो उसे इसमें डाल सकता था, लेकिन उसके लिए एक सेपरेट लेक्चर अपन रखेंगे। 15-20 स्टेटमेंट्स हैं, 15-20 लोगों ने दी हैं, उनका डिटेल्ड एनालिसिस करके मैं आपको दूंगा, तो आपको कभी भी फिर प्रॉब्लम नहीं आएगी कि कैरेक्टर क्या था, नेचर क्या था रिवॉल्ट का, वो क्लियर होगा। अलग अलग नामों से इसे जाना जाता है। इसे सिपाही म्यूटिनी ऑफ 1857 भी कहा जाता है, इसे रिवॉल्ट ऑफ 1857 कहा जाता है, अपराइजिंग ऑफ 1857 कहते हैं, और कुछ लोग इसे फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस, जैसे वी डी सावरकर इसे फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस कहते थे, 1909 में उन्होंने ये कंसेप्ट दिया। अब हम समझते हैं कि वर्ड अंडरस्टैंड करते हैं, रिवॉल्ट क्या होता है। रिवॉल्ट एक तरह का लोगों के द्वारा किया गया रिबेल होता है। इसलिए रिबेल एंड रिवॉल्ट दोनों वर्ड सिनोनिमसली यूज़ करते हैं। रिबेल क्या होता है? रिबेल होता है जब आप ऑर्डर, जब आप अथॉरिटी, ऑर्डर एंड सिस्टम, इन तीनों को डिफाई कर देते हैं, इसे कहते हैं रिबेल। जब आप अथॉरिटी, ऑर्डर एंड सिस्टम को डिफाई करते हैं, यहाँ पर अथॉरिटी, ऑर्डर एंड सिस्टम को डिफाई करने का मतलब क्या है? अथॉरिटी यहाँ पर ब्रिटिश अथॉरिटी है, ये कोई भी हो सकती थी, मुगल अथॉरिटी भी हो सकती थी, एनी अथॉरिटी जो आपके देश में अथॉरिटी, आप उसे डिफाई कर रहे हैं, मना कर रहे हैं, नकार रहे हैं, उसकी एग्जिस्टेंस को नकार रहे हैं। सेकेंड इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट, ऑर्डर, जो उनके द्वारा एक एडमिनिस्ट्रेटिव, एक हायरार्कियल ऑर्डर इस्टेब्लिश किया गया है, जो नियमावलीज बनाई गई हैं, जो रूल्स रेगुलेशंस आपके लिए बनाए गए हैं, आप उनकी पालना नहीं कर रहे हैं। अगला इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट, सिस्टम, जो उनके द्वारा आपके लिए सिस्टम बनाए गए हैं, चाहे वो जुडिशियल सिस्टम है, चाहे वो ट्रेड एंड कमर्शियल सिस्टम इस्टेब्लिश किया गया है, चाहे वो थाना सिस्टम है, पुलिस सिस्टम है, मिलिट्री सिस्टम है, चाहे वो इंटरनेशनल ट्रेड सिस्टम है, एनीथिंग, आप उस सारे सिस्टम को डिनाई कर रहे हैं। कहने का मतलब, रिबेल एक बड़ी चीज़ होती है, इसमें सिर्फ आप रूलर को यानी कि अथॉरिटी को ही डिफाई नहीं करते, अथॉरिटी को, उसके ऑर्डर को और उसके बनाए सारे सिस्टम्स को भी डिफाई कर देते हैं, इसे रिबेल कहते हैं। लोगों के द्वारा रिबेल किया जाता है और इसी परिस्थिति को रिवॉल्ट भी कहा जाता है, विद्रोह की परिस्थिति है। ओके, अगर हम बात म्यूटिनी वर्ड की करें तो म्यूटिनी क्या होता है? सेना, सेना एक बड़ी चीज़ है। सेना का एक तबका, यानी कि जितनी भी आपकी डिफेंस है, जिसमें बात हम मान लीजिए आर्मी की करते हैं, क्योंकि एयरफोर्स तो हुआ नहीं करता था उस समय में, नेवी हुआ करता था, और मेनली ये आर्मी में हुआ है। अगर हम आर्मी की बात करें तो आर्मी के कुछ मेंबर्स, मेंबर वर्ड मैंने इसलिए यूज़ नहीं किया क्योंकि यहाँ पे आपको सिपाही भी नज़र आ जाएंगे, सिपाही में आगे आकर के आपको सूबेदार और बाकी रैंक के लोग भी दिख जाएंगे, तो इसलिए मैंने मेंबर वर्ड यूज़ कर रहा हूँ। तो आर्मी में जो आर्मी के कुछ मेंबर्स के द्वारा अपनी आर्मी को, यानी कि आर्मी एस्टेब्लिशमेंट को और अपने ऑफिसर्स को डिफाई कर देना, इसे कहते हैं म्यूटिनी। ओके, यानी कि यहाँ पर आर्मी एस्टेब्लिशमेंट की बात यह है कि भारत में एक ब्रिटानिया सेना है, आपने इस चीज़ को डिनाई किया, डिफाई किया, और सेकंड, यानी कि ब्रिटानिया सेना आपसे क्या एक्सपेक्ट कर रही है कि आप ब्रिटिश इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करें, जो लोग भी उनके खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं उन्हें सप्रेस करें, ख़त्म करें।
और आप अपने ऑफिसर को डिफाई कर रहे हैं, इसका मतलब ये है ऑफिसर आपको ये कह रहा है कि इस हथियार को, इस बंदूक को इस तरह से इस्तेमाल करो, यहाँ खड़े रहो, आप उसका ऑर्डर नहीं मान रहे हैं। तो आर्मी इस्टेब्लिशमेंट को और अपने ऑफिसर को डिफाई करना म्यूटिनी कहलाता है। ये म्यूटिनी की गई तो इसलिए इसको म्यूटिनी भी कहा जाता है, सिपाही म्यूटिनी के तौर पर है। चाहे ये म्यूटिनी थी, आगे बढ़कर के ये रिबेल हुई और रिबेल का ये रूप तैयार हुआ अपराइजिंग की वजह से, क्योंकि डिफरेंट कास्ट, डिफरेंट कस्टम, कल्चर, मैनर, डिफरेंट क्लासेस और डिफरेंट रिलीजियस ग्रुप से लोगों ने समर्थन दिया। शहरों में भी हर वर्ग आया, गांव में भी हर वर्ग आया, यहाँ तक कि आदिवासी तक ने इसका समर्थन किया है। उस समय के अस्टवाइल जमींदार्स भी आए, तालुकदार भी आए, बहुत सारे प्रिंसेस भी इसकी सपोर्ट में आए, अस्टवाइल रूलर्स भी इसकी सपोर्ट में आए और मुग़ल बादशाह बहादुर शाह जफर भी इसके सपोर्ट में आया। तो ये ट्रांस कल्चर, ट्रांस कस्टम, ट्रांस रिलीजन एक तरह का मूवमेंट था, इसलिए इसे अपराइजिंग के तौर पर भी कहते हैं, क्योंकि गांव शहर हर तरह के लोग समर्थन में आए तो ये अपराइजिंग का रूप ले गया। और इसी के इस तरह के नेशनल कैरेक्टर को देखते हुए ये माना गया, वीडी सावरकर का ये कहना है कि ये पूरे भारत भर में एक अंग्रेज विरोधी लहर थी एक तरह की, और ये स्वतंत्रता की दिशा में किया गया पहला संग्राम था, इसलिए वो इसे फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस कहते हैं, क्योंकि उनका मानना यह है कि ये एक बहुत बड़े लेवल पर नेशनलिस्ट था कैरेक्टर में, ये पूरे के पूरे बरतानिया सरकार उसके राज के विरोध में था, उनकी नीतियों के विरोध में था, और ये एक तरह से भारतीय सत्ता दोबारा स्थापित करना चाहता था, तो वैसे फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस से ट्रीट करते हैं। इन सारे शब्दों पर जिरह अच्छे से होगी वो पार्ट टू में, जब मैंने बताया कि इसके नेचर को हम समझेंगे। समझते हैं कुछ इवेंट, ध्यान रहे मैं पहले इवेंट बताऊँगा और फिर उन इवेंट को आधार देने के लिए बैकग्राउंड की कहानियाँ लेकर के आएंगे और समझेंगे कि कारण क्या रहे, ये क्यों हुआ, हम समझेंगे कि इसके ख़त्म हो जाने के कारण ये कैसे सप्रेस कर दिया गया, और मैं आपको बताऊँगा कि इसके फिर नतीजे क्या निकले, आफ्टर मैथ क्या हुआ, इम्पैक्ट क्या पड़ा, हम सब चीज़ों को सिलसिलेवार ढंग से करेंगे। याद रखें हमारा हर तरह के लेक्चर की तरह मैं इसे भी आर्टिफिशियल नहीं रखूँगा कि हम पॉइंट्स लिखें और उनके वाया चलें, ये एक अपने आप में स्पॉन्टेनियस लेक्चर होगा, क्योंकि नॉलेज भी आपके माइंड में स्पॉन्टेनियस आनी चाहिए, लेकिन होगा एक सीक्वेंस में, हम सीरियल तरीके से इसे कवर करेंगे। 1857, ईयर 1857, 29th मार्च, बंगाल, जगह बैरकपुर, 34th नेटिव इन्फेंट्री, सेना में आर्चर्स होते हैं तीरंदाज, सेना में घुड़सवार होते हैं कैवलरी, सेना में पदाती सैनिक होते हैं प्यादे, जिसे हम इन्फेंट्री कहते हैं, प्यादे शतरंज में होते हैं, सेना में उसी पदाती सैनिक कहते हैं। तो 34th नेटिव माने भारतीय, 34th नेटिव इन्फेंट्री, जगह बंगाल है, बंगाल में बारकपुर है। 29 मार्च को इस नेटिव इन्फेंट्री के एक सोल्जर मंगल पांडे, यंग सोल्जर मंगल पांडे, इसके द्वारा चमड़े से बने हुए यानी कि पिग और काओ, पिग फैट से या काओ फैट से, पिग मुस्लिम रिलीजियस सेंटीमेंट को हर्ट करने के लिए मैंने सुअर, और काओ हिंदू रिलीजियस सेंटीमेंट को हर्ट करने के लिए, तो पिग या काओ फैट से बने हुए उस कार्टरेज को अपने मुंह से काटने की मनाही करने पर, जब उसके ऊपर अजर्ट किया गया सेना के अफसर के द्वारा, तो मंगल पांडे के द्वारा अपने एडजुटेंट पर अटैक कर दिया गया, गोली मार दी गई, इसी कारण से मंगल पांडे को पब्लिकली एग्जीक्यूट कर दिया गया। इस बात में पे ज़्यादा गहन अध्ययन उस समय में नहीं हुआ, ये बात ने ज़्यादा असर भी क्रिएट नहीं किया, लेकिन अंडर करेंट एक बन गया था। अंडर करेंट बनने के बाद सिचुएशन आगे बढ़ी, समय बदला, कहानी भारत की हो रही है, वेस्ट से ईस्ट की तरफ आएंगे, बंगाल से आगे आए उत्तर प्रदेश, दिल्ली की विसिनिटी में मेरठ आज भी भारत का बहुत बड़ा कैंटोनमेंट है। मेरठ में 24th अप्रैल 1857, 29th मार्च के बाद आगे बढ़ गए हम, 24th अप्रैल 1857 मेरठ में सेम रीज़न की वजह से थर्ड नेटिव कैवेलरी ऑफ द मेरठ के द्वारा सोल्जर्स के द्वारा डिनाई कर दिया गया कि वो इस कार्ट्रिज को नहीं काटेंगे। 85 सोल्जर्स को कंटेम्प्ट पे लिया गया, केस चलाया गया, ध्यान रहे अप्रैल से आगे आ गए, 9th मई 1857
क्योंकि इस लेक्चर में मैं डेट्स पे बहुत ध्यान दे रहा हूँ, मंथ पे भी ध्यान देना है, इस चैप्टर के टॉपिक में यह आता है। 9 मई 1857 को इनको 10 साल की कैद की सज़ा सुनाई गई, इन 25 सोल्जर्स को। यह कैद की सज़ा आग की तरह फैली, मेरिट की ही इन्फेंट्री ने, द नेटिव इन्फेंट्री ऑफ द मेरिट, नेटिव इन्फेंट्री ऑफ द मेरिट ने एक दिन बाद यानी कि 10 मई को विद्रोह का बुगुल फूंक दिया और अपने उस समय के ऑफिसर को ख़त्म करते हुए आगे बढ़े। ये 85 लोग जेल में थे, जेल में जाकर के जेल तोड़ी, इन्हें बाहर निकाला, जितना भी असला बारूद एम्यूनिशन हाउस में था उसे लूटा, आगे बढ़े, ट्रेजरी हाउस को लूटा, पैसा लिया, आगे बढ़े, जितनी भी टेलीग्राफ और अदर कम्युनिकेशन लाइन थी दिल्ली और कलकत्ता के बीच में मेरठ से लेके, वो काट दी गई, जितने भी घुड़सवार खबर लेकर के जा सकते थे उन्हें रोका और बांध लिया गया, और जिन भी सड़कों के द्वारा जाना था उन सड़कों को उखाड़ दिया गया। इसके बाद जितने भी रिकॉर्ड हाउसेस थे उन्हें जलाया गया, जितने भी पोस्ट ऑफिसेस थे उन्हें जलाया गया, पुलिस स्टेशंस को कब्ज़ा करके जलाया गया, रेलवे स्टेशंस को जलाया गया, रेलवे लाइंस को उखाड़ने की कोशिश की गई, यानी कि जो भी ब्रिटिशर्स के फॉरेन रूल के सिंबल थे उन्हें ख़त्म करने का प्रयास किया गया। ये सारे एक्ट मेरठ पे परफॉर्म किए गए हैं। समा आगे 10 मई, दिन भर ये करने के बाद विद्रोहियों ने यह तय किया कि हमें आगे बढ़ना है और हमें रातों रात ही दिल्ली तक का सफ़र तय करना है। रातों रात दिल्ली का सफ़र तय करते हुए 11 मई भोर हो चुकी है, दिल्ली पहुंच चुके हैं। दिल्ली में लाल किले में आखिरी मुग़ल बादशाह बहादुर शाह जफ़र, बहादुर शाह टू भी कहा जाता है इन्हें, ये रह रहे थे। कौन सा महीना चल रहा है आप सब जानते हैं, जून के महीने में ईद आएगी तो उसके पहले मुहर्रम का महीना है। मुहर्रम का मुबारक महीना था जो इस्लाम के लिए बहुत मुबारक है। ऐसे में बहादुर शाह जफ़र ने अपनी भोर सुबह उठ करके सुबह की प्रेयर करके, सारा दिन फास्ट रखना था इसलिए सुबह खाना खाया था, सुबह का खाना खा करके वो भी फ्री हुए हैं। ऐसे में सैनिक उनके लाल किले की चारों दिशा से किलेबंदी कर चुके हैं, नाकाबंदी कर चुके हैं, घेर चुके हैं और फाइनली बहादुर शाह के कक्ष की खिड़की के नीचे जा करके खड़े हैं और उनसे ये कह रहे हैं कि बंगाल, बैरकपुर और मेरठ में हमें ज़बरदस्ती सुअर और गाय के चमड़े से बनी कार्ट्रिजेस को, कारतूसों को काटने को कहा जा रहा है, इससे हमारा धर्म भ्रष्ट कर दिया जाएगा और एक बार यदि हमारा धर्म ही ख़त्म हुआ तो हम कहाँ सर्वाइव करेंगे। ऐसे में हम सब ने निर्णय लिया है कि हम अपना स्टैंड लेंगे और इन सबको उखाड़ भेजेंगे। अब आपके ऊपर जिम्मेदारी आती है, आप हमें अपना आशीर्वाद दें, हमें आप लेजिटिमेट करें ताकि इस कार्य को हम आगे बढ़ा पाएँ। बहादुर शाह जफ़र शुरुआत में रिलक्टेंट थे, वो ये मानते थे कि ये मूवमेंट ऑर्गेनाइज्ड उस लेवल पर नहीं है और ये सैनिकों के द्वारा किया जा रहा मात्र एक म्यूटिनी है, लेकिन ऐसे में सैनिक जबरन उनके महल के भीतर पहुँच चुके थे और सैनिकों ने उन्हें घेर करके नारे लगाने शुरू कर दिए कि बहादुर शाह जफ़र हमारे नेता हैं। ऐसे में बहादुर शाह जफ़र ने सब खुद जब खुद को सैनिकों के बीच घेरा पाया, उन्होंने देखा कि कोई और ऑप्शन इस वक्त बचता नहीं है, मुझे सेना का समर्थन करना होगा। दूसरा कारण ये था कि उन्होंने भी शायद ये भांपा कि यह एक समय है कि जब भारत भर में सभी लोग हमसे जुड़ जाएं, मतलब जितने भी अर्स्टवाइल रूलर थे वो अगर जुड़ जाएं, क्योंकि सभी रूलर मुग़ल के तहत अपना इंडिपेंडेंट रूल कार्व आउट कर चुके थे अब तक और वो बड़ी ईजिली रूल कर रहे थे और एक तरह का सिस्टम मुग़ल एंड रीजनल रूलर का एस्टेब्लिश हो रखा था। बहादुर शाह को लगता था कि वो इसी पॉलिटिकल सिस्टम को दोबारा रिवाइव कर सकते हैं तो इसमें कोई हर्ज नहीं। उन्हें ऐसा लगता था कि 1857 का टाइम आ चुका है, ज़मींदार, अर्स्टवाइल रूलर्स, ट्रेडर्स, आर्टिजन्स और पीजेंट्स सभी अंग्रेज़ों से पिछले 100 साल के उनकी नीतियों की वजह से इस वक्त नदारद चल रहे हैं, निगेट किया है ब्रिटिशर्स ने इन सभी सेगमेंट्स का, तो इन सब का अब मुझे ठीक तरह से समर्थन मिल भी जाएगा और सेना के दम पर ही तो भारत में राज होता है, क्योंकि ये सारे पुलिस स्टेट थे, वेलफेयर स्टेट तो नहीं थे। ऐसे में सेना अगर आज हमारे साथ खड़ी है, जो कि ब्रिटिश सरकार की भारी भरकम सेना भारतीय लोगों से ही आती थी, तो फिर ये समर्थन लेकर के आगे बढ़ा जा सकता है। बस कमी इतनी सी है कि इसे ऑर्गेनाइजेशन देने की ज़रूरत है, वो ऑर्गेनाइजेशन मिल जाएगी अगर इसे नेतृत्व अच्छा मिल गया, अगर लीडरशिप अच्छी मिल गई। तो उसी समय में बहादुर शाह जफर की तरफ से एक लेटर इशू किया गया, आप इसे नोटिस भी कह सकते हैं, सभी राजाओं को ये आह्वान दिया गया, उन्हें अपील की गई कि आप सभी एकजुट हो जाएं और विदेशी राज को उखाड़ फेंकें। यहाँ पर विदेशी राज के लिए खास तौर पर विद्रोहियों ने एक शब्द का इस्तेमाल किया, फिरंगी।
फिरंगी एक फारसी शब्द है, एक पर्शियन शब्द है जो शायद फ्रैंक से आता है, और फ्रैंक शब्द यूज़ हुआ है फ्रांस के लिए, फ्रैंक से फ्रांस है, तो मतलब शायद यही लोगों के लिए फिरंगी शब्द, फ्रैंक का डिस्टॉर्टेड वर्जन फिरंगी है, तो फॉरनर्स को फिरंगी कहा जाता था, बट ये डेरोगेटरी वे में यूज़ होता था। फिरंगी जब आप किसी को कहते हैं तो आप डेरोगेटरी वे में कहते हैं, तो इस तरह से ये वर्ड उनके लिए यूज़ होता था। तो ऐसा कहा गया फिरंगी राज उखेड़ने के प्रयास हमें करने चाहिए, तो बहादुर शाह जफर का समर्थन मिलने की वजह से ये एक तरह से लेजिटिमाइट हो गया। आई बात समझ में? ये सारा सिचुएशन चल रहा है मई 12, मई 11 की सुबह जैसे ही मेरठ की सेना वहाँ पर एंटर हुई, मई 12 को दिल्ली के कैंटोनमेंट एरिया ने भी विरोध कर दिया और सारी बेड़ियों से खुद को मुक्त करा लिया। यहाँ पर उस समय के जनरल बिलोबाय एग्जिस्ट कर रहे थे, जनरल बिलोबाय को ओवरकम किया गया और वहाँ की जेल, वहाँ के ट्रेजर और वहाँ के एमिनेशन पर वहाँ के विद्रोहियों का कब्जा हुआ। ठीक वही सब यहाँ पर भी रिपीट किया गया, सभी सरकारी सिंबल्स, गवर्नमेंट के सिंबल्स जला दिए गए, कम्युनिकेशंस के लाइंस को ध्वस्त कर दिया गया और दिल्ली की अमूमन जगहों पर कब्जा कर लिया गया। इसके बाद क्योंकि कम्युनिकेशन नेटवर्क उस समय में वीक थे, जब तक पर्सन टू पर्सन इन्फॉर्मेशन नहीं पहुँचेगी, इन्फॉर्मेशन का कोई और ज़रिया नहीं था, 5 से 7 दिन के लिए सब कुछ सुन हो गया, वॉइड आ गया। ऐसे में लहर, बारकपुर से लहर मेरठ पहुँची, मेरठ से दिल्ली, लहर वापस ईस्ट, वेस्ट से ईस्ट जाएगी। लहर अब वापस से वेस्ट से ईस्ट बढ़ रही है, ईस्ट किधर आएगी? देखिए अब नए नए सेंटर बनेंगे, मैं आपको सेंटर के लीडर्स सारे यहीं पर बताऊंगा, फिर हम पिछली कहानी पढ़ेंगे। आज के लेक्चर का एक एक शब्द एमसीक्यू ओरिएंटेड है, इस बात का ध्यान रखें। ईस्ट की तरफ आते हैं तो कानपुर आता है, कानपुर में नेता कौन होंगे? आप सभी जानते हैं 3rd Anglo-Maratha War के बाद वहाँ से बाजीराव 2 पेशवा को उखाड़ करके किधर भेज दिया गया था? बिठूर, उत्तर प्रदेश कानपुर के पास। तो ऐसे में कानपुर में जब विद्रोह होगा उसका सेना नायक और उसके अध्यक्ष के तौर पर कौन खड़े रहेंगे? बाजीराव 2 के बाद उनके गोद लिए हुए पुत्र नाना साहब, वो लंबे समय से डिमांड कर रहे थे कि जो मेरे पिताजी को पेंशन दी जाती थी वो पेंशन आप मेरी भी कंटिन्यू रखना, लेकिन अंग्रेज़ों ने ये कहा कि उनके बाद क्योंकि आप उनके अडॉप्टेड सन हैं तो आपको कोई भी पेंशन बेनिफिट्स नहीं दिए जाएंगे। ऐसे में उन्हें लगता था कि उन्हें पॉलिटिकल डिसएडवांटेज पर रख दिया गया है, तो नाना साहब ने पार्टिसिपेट किया, तो कानपुर का सेंटर नाना साहब से जाना गया है। नाना साहब मराठा, लेकिन बात याद रखनी है क्या, नाना साहब चेहरा थे, विद्रोहियों ने नाना साहब को सुना एक चेहरे के चुना एक चेहरे के तौर पर, एक्चुअल में ग्राउंड संभाला हुआ था तांत्या टोपे ने। एक्चुअल ग्राउंड तांत्या टोपे संभाले हुए थे, लेकिन फेस नाना साहब का था यहाँ पर। ये कहानी कानपुर की है। जब हम आगे बढ़ते हैं ईस्टवर्ड तो सवा आगे बढ़ता है जगह फैज़ाबाद। फैज़ाबाद की अगर हम बात करें तो यहाँ का नेता कौन है? एक मौलवी हुआ करता था, इसकी शिक्षा दीक्षा हैदराबाद में हुई, बाद में आगे आया और इसने फैज़ाबाद उत्तर प्रदेश में आकर के लंबे समय तक लोगों को ब्रिटिश सरकार के अगेंस्ट मोटिवेट किया कि आप इनके विरोध जाएं, ये आपके धर्म को भ्रष्ट कर देना चाहते हैं, फिरंगियों का शासन आपके देश के हित में नहीं है। ऐसे में इस पर्सन का नाम है अहमदुल्ला शाह, यानी कि मौलवी अहमदुल्ला शाह। ये फैज़ाबाद के सेंटर के तौर पर जाने गए हैं, लेकिन ध्यान रखें मौलवी अहमदुल्ला शाह फैज़ाबाद में खड़े ज़रूर हुए, इस सेंटर को इन्होंने होल्ड किया। इनकी खासियत थी ये पालकी में चला करते थे, जब ये पालकी में चलते थे इनके आगे लोग नगाड़ा बजाते हुए चलते थे और इनके पीछे हज़ारों लोगों का हजूम था। ये चीज़ अंग्रेज़ों को कभी भी पसंद नहीं थी कि इस तरह का कोई पर्सन किसी तरह की कोई डिस्टॉर्शन क्रिएट करे। अंग्रेज़ों ने 1856 में इनकी लखनऊ और बाकी एरियाज़ में एंट्री बंद कर दी थी कि आप इस तरह का हजूम लेकर के नहीं घूम सकते। मौलवी अहमदुल्ला को उस समय में प्रॉफिट तक मान लिया था लोगों ने, पैगंबर के तौर पर इन्हें माना जाता था। ऐसे में 1856 के समय में ये जेल में थे, उसके बाद जब ये आज़ाद हुए हैं तो फिर इन्होंने लीडरशिप अज्यूम की है और ये यहाँ से मूव करके लखनऊ की तरफ गए हैं, तो मौलवी अहमदुल्ला लखनऊ के चेहरे के तौर पर भी जाने गए हैं। ओके, और ये इनका सेंटर फैज़ाबाद से शुरू होता है, ये लखनऊ की तरफ गए क्योंकि ये सारा बेल्ट अवध का बेल्ट है,
मेन बेल्ट अवध का बेल्ट माना जाएगा। तो अब बात आगे आती है, नेक्स्ट कहानी, ये नेक्स्ट कहानी अवध की है। जब मैं अवध की बात कर रहा हूँ तो मतलब मैं बात लखनऊ की कर रहा हूँ। आप सभी जानते हैं यहाँ के पहले शासक अवध के नवाब, जिनमें से आखिरी वाजिद अली शाह। वाजिद अली शाह के बाद उनकी बेगम हैं, कौन हैं, हज़रत महल बेगम, हज़रत महल बेगम, हज़रत महल। और बेगम हज़रत महल का पुत्र, नवाब वाजिद अली शाह का पुत्र बिरजिस कादिर। बिरजिस कादिर, बिरजिस कादिर को लेजिटिमेट हेयर माना जाने की बात कही गई और ये कहा गया कि बिरजिस कादिर ही वापस से अवध के नवाब डिक्लेयर होंगे और इस सत्ता को संभालेंगे। इसलिए अवध का यानी कि लखनऊ का सेंटर बेगम हज़रत महल और बिरजिस कादिर के द्वारा संभाला गया। ये चेहरे थे, असल में ग्राउंड संभालने वाले मौलवी अहमदुल्ला शाह थे। ग्राउंड किन्होंने संभाली? मौलवी अहमदुल्ला शाह के द्वारा। ओके, हम फर्दर ईस्ट की तरफ चलते हैं, बिहार। बिहार की बात करें तो आरा, यहाँ पर एक पहले के ज़मींदार परिवार हुआ करता था और उस ज़मींदार परिवार में से इम्पॉर्टेंट पर्सनैलिटी कुंवर सिंह, राजा कुंवर सिंह, और इनके भाई अमर सिंह। कुंवर सिंह एंड अवर सिंह, अमर सिंह, अमर सिंह मैंने बता दिया। वैसे नेम कुंवर सिंह इज़ फेमस, तो कुंवर सिंह इज़ वेरी फेमस। इन्होंने बिहार और आरा में विद्रोह की कमाल को संभाला। ये सारे सेंटर्स मैंने आपको बताए। अब हमें फिर से वेस्ट आना है, हमें झांसी आना है। झांसी बुंदेलखंडी इलाका है ना, बुंदेलखंड में उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं, ठीक है। तो ये बुंदेलखंडी बेल्ट बनती है यहाँ पे, उसमें से ललित है, बांदा है, ललितपुर है, बांदा है, तो झांसी भी एक जगह है। झांसी, झांसी राजा गंगाधर राव की विडो और गंगाधर राव के द्वारा लिया गया दत्तक पुत्र, एडॉप्टेड सन, जैसे कि अंग्रेज अब लेजिटिमेट नहीं मान रहे थे अकॉर्डिंग टू द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, और झांसी का लैप्स के तहत अनेक्सेशन कर लिया गया था। ये सारी कहानी 1854 के अराउंड गढ़ी गई थी। ऐसे में रानी झांसी को यहाँ की कमान संभालनी थी। आप एक बात याद रखें कि बहादुर शाह जफर जो कि दिल्ली से हैं, मुग़ल बादशाह हैं, और रानी झांसी, ये दोनों शुरुआत में रिलक्टेंट थे, लेकिन जनता के मनाने पर, सेना के बार बार इनके सामने अनुरोध करने पर, रिक्वेस्ट करने पर ये कन्विंस हुए। एक बार जब रानी झांसी कन्विंस हुई हैं, उसके बाद वो रुकी नहीं और बहुत ही मैस्कुलिन कैरेक्टर के तौर पर इन्हें दिखाया गया है। तो ऐसे में रानी झांसी यानी कि लक्ष्मी बाई, जिनका नाम है मणिकर्णिका, ओके, तो झांसी से रानी लक्ष्मी बाई, जिनका नाम क्या है, मणिकर्णिका। और रानी लक्ष्मीबाई को सपोर्ट देने के लिए यहाँ भी आएंगे कौन, तांता टोपे। तो तांता टोपे इस सेंटर के लिए भी जाने गए हैं। झांसी से एंटर आइए सेंट्रल इंडिया, मध्य प्रदेश की तरफ, रामगढ़ का इलाका है। यहाँ पर आपको एक बहुत अच्छी और वॉरियर का नाम सुनने को मिलता है। रामगढ़ इज़ द सेंटर, वॉरियर नेम इज़ अवंतीबाई, अवंतीबाई लोधी, अवंतीबाई लोधी। सभी वॉरियर्स जो भी लड़े हैं, जिन्होंने नेतृत्व किया है, मैंने सेंटर भी बता दिए और उनके नेतृत्व करने वाले योद्धा भी बता दिए। ये हमारे सामने सेंटर हैं, सेंटर मेरठ है, सेंटर दिल्ली है, हाँ एक सेंटर रह गया है, दैट इज़ बरेली। बरेली सेंटर है, खान बहादुर खान इनका नेतृत्व कर रहे हैं सेंटर का। तो हमने सेंटर कर लिए, सबसे टॉप पे दिल्ली लिख देते हैं। कौन है चेहरा? बहादुर शाह जफर। लेकिन ये चेहरा है यहाँ पे ग्राउंड पे कौन है जो सेना का नेतृत्व कर रहे हैं? बख्त खान। बख्त खान कौन है? मेरठ में जिस सेना ने विद्रोह किया, वो सेना के नेतृत्व बख्त खान कर रहे थे। मई के बाद जून आया, जून के बाद जुलाई, 3 जुलाई तक बख्त खान भी दिल्ली पहुंच चुके थे। और उसके बाद सारी सेना ने सर्वसम्मति से इन्हें अपना नेता चुना, यानी कि पूरे भारत में जो एक सेना थी जो अंग्रेज़ों के विरुद्ध है,
उस एक भारतीय सेना के नेता लीडर इंचार्ज बख्त खान हुआ करते थे, ये बात आपको याद रखनी है। ओके, तो ही वॉज बख्त खान। बख्त खान का नेम नहीं बख्त खान का नेम नहीं भूलना। दिल्ली चेहरा बहादुर शाह जफर, एक्चुअल ग्राउंड पे बख्त खान है। बरेली खान बहादुर खान है। झांसी रानी लक्ष्मीबाई, जिनका नाम मणिकर्णिका है और उनके साथ तांत्या टोपे भी होंगे। रामगढ़ अवंतीबाई लोधी। कानपुर में नाना साहेब हैं मराठा और ग्राउंड पे हैं तांत्या टोपे। फैजाबाद से मौलवी अहमदुल्ला शाह। अवध लखनऊ बेगम हज़रत महल वली वाजिद अली शाह की पत्नी और ब्रिजिस कादिर उनके पुत्र। ग्राउंड पे हैं मौलवी अहमदुल्ला शाह। बिहार यानी कि आरा अस्टवाइल ज़मींदार राजा कुंवर सिंह और भाई अमर सिंह इनके साथ हैं। इनके अलावा कुछ छोटे नेता भी हुआ करते थे। उत्तर प्रदेश के ही जाट इलाकों की टेरिटरी में एक पर्सन हुआ करते थे जिनका नाम था शाहमल। वो जाट टेरिटरी को होल्ड कर रहे थे। 84 गांव थे जिनमें उनका किनशिप क्लैन एक्सटेंड होता था, इसलिए इन्हें 84 देशों का राजा भी कहते हैं, 84 देश। तो वो उस पर्टिकुलर एरिया को इसलिए होल्ड कर रहे थे क्योंकि वहाँ के किसान अच्छे प्रबुद्ध संपन्न किसान थे। क्यों संपन्न थे? प्रॉस्पेरस फार्मर थे भाई। अच्छा इरीगेशन नेटवर्क वहाँ पर हुआ करता था। अच्छी डार्क लोमी सॉइल हुआ करती थी। फर्टिलिटी अच्छी थी, खेती बाड़ी अच्छी होती थी। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम ब्रिटिशर्स का रेवेन्यू सिस्टम आया, उसके तहत उन्होंने बहुत ही हार्ड टर्म्स डिक्टेट करी रेवेन्यू की। असेसमेंट भी गलत किया गया, रेवेन्यू गलत असेस किए गए। जब भी नेचुरल कैलेमिटी की कोई स्थिति आई, ऐसे में किसी तरह का भी एग्जम्पशन नहीं दिया गया, पेमेंट डिले नहीं की गई। ऐसे में जब उनके ऊपर ये हार्डशिप्स आई, तो जब भी उन्होंने पैसा ले करके उधार पे अंग्रेज़ों को देना चाहा, पैसा मनी लेंडर के थ्रू दिलवाया गया। ये मनी लेंडर और बाकी सेक्शन बाहर के थे, तो धीरे धीरे ब्याज पर उठाए पैसे को वापस ना कर पाने की असमर्थता में इनकी ज़मीनें उन मनी लेंडर्स के हाथों जाती रहीं और इसके तहत इनका लैंड इनसे एलिनेट कर दिया गया, इन्हें ज़मीन से वांछित कर दिया गया। बाहरी लोग यहाँ पर आकर के दखल हो गए। यह चीज़ शाहमल को पसंद नहीं थी और वहाँ के किसानों को भी पसंद नहीं थी। किसानों की फैसिनेशन को यूटिलाइज़ करके शाहमल ने उस समय आए बाहरी लोगों को विद्रोह की इस लहर में उखाड़ फेंकने का वादा लिया और वापस से सभी किसानों को उनकी ज़मीन वापस दिलाने का प्रण लिया। ऐसा नहीं है कि आदिवासी विंग इनसे बिल्कुल अछूता रहा। छोटा नागपुर के प्लेच्यू झारखंड में सभी जानते हैं। छोटा नागपुर के प्लेच्यू में सिंहभूम का इलाका इम्पॉर्टेंट है और यहाँ पर आने वाली एक ट्राइब कोल, इस कोल ट्राइब का जो उस समय नेतृत्व कर रहे थे, इनका नाम था गुनगु। क्या है? गुनगु। ये एक इम्पॉर्टेंट पर्सन थे, तो ये भी विद्रोह में साथ दे रहे थे। यानी कि आदिवासी भी हैं, पीजेंट भी हैं, किनशिप क्लैंस भी खड़े हैं, ज़मींदार भी हैं, सब एक साथ खड़े हैं। ये सभी सेंटर्स हमने देखे। धीरे धीरे ये विद्रोह की आग आगे फैली है। जब मई में दिल्ली में ये घटना होती है, आगे आते हैं, जून में कानपुर और लखनऊ में ये घटना हो जाती है, जून के महीने में आरा में ये घटना होती है, ठीक है। तो इस तरह से मार्च 29 से शुरू हुआ मंगल पांडे के एग्जीक्यूशन से ये कार्यक्रम, अप्रैल में मेरठ की बात करें, आगे मई में दिल्ली की बात करें, फिर जून में रानी लक्ष्मीबाई की बात करें, झांसी की, चाहे कानपुर की, चाहे लखनऊ की, चाहे आरा की, चाहे बरेली की, ये सारे सेंटर तक ये फैला, इन सारे एरियाज में ये फैला। अब इसे क्रश करने की कहानी शुरू होगी। यहाँ पर एक चीज़ ध्यान से देखने वाली है। अगर बात करें तो डेलिबरेटली सैनिक जो हैं मेरठ से सीधा यमुना पार करके पहुँचे हैं दिल्ली। मैंने दिल्ली सेंटर ऑफ अथॉरिटी थी देश में उस समय। लाल किला प्रमाण है इस बात का, किसका? मुगल सॉवरेनिटी का। और लाल किला उस समय प्रमाण था भारतीय सॉवरेनिटी का अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल। और इसी वजह से आज दिन तक 15 अगस्त की स्पीच लाल किले से दी भी जाती है। ये इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट है, लाल किला बड़ी बात है। और जो लोग भी दिल्ली की तरफ गए हैं मेरठ से और जो बाकी किसान शहरवासी सभी ने समर्थन दिया, तो उस समय में नारा दिया गया था चलो दिल्ली। और यही कारण है कि 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में, क्विट इंडिया मूवमेंट में नारा दिया था कि चलो दिल्ली। आई बात समझ में? ये चलो दिल्ली एक इम्पॉर्टेंट मूवमेंट के तौर पर माना गया है। क्लियर ये कंसेप्ट? तो ये चलो दिल्ली वाली कंसेप्ट यहीं से आता है। पहली भारत की स्वतंत्रता की लड़ाई में भी ये शब्द इस्तेमाल हुआ
और अंततः जो भारत की स्वतंत्रता का युद्ध हुआ उसमें भी ये शब्द शामिल हो रहा था। तो दिल्ली एक सॉवरेनिटी का सिंबल है, तो आप देख सकते हैं कि विद्रोहियों ने सबसे पहले उसी को पकड़ा है जा करके, तो अंग्रेज़ों को भी सबसे पहले उसी को ही पकड़ना है, क्योंकि अगर उस पर क्रैकडाउन किया जाएगा तो जो एक इमोशनल स्ट्रेंथ मिली हुई है विद्रोहियों को वो ख़त्म हो जाएगी, और जब एक बार वो इमोशनली वीक हुए तो फिर उन्हें ख़त्म करना आसान हो जाएगा। इसी के तहत इस क्रैकडाउन को लेते हुए कलकत्ता से प्रेपरेशन स्टार्ट की गई और सीधा बढ़ा गया बंगाल की तरफ। रास्ते में अलग अलग सेगमेंट को भी टारगेट करने की कोशिश की गई, लेकिन झपट लंबी चली, कई जगह पे शिकस्त भी मिली, परास्त भी हुए, तो कोशिश सीधी दिल्ली पे की गई। लेकिन यह कैसे किया गया? इसको करने के लिए कई तरह के परिवर्तन अंग्रेज़ों ने किए। सबसे पहले उन्होंने एक्ट में बदलाव किए, एक्ट में चेंजेस करके 1857 में आपको पूछा आएगा कि सप्रेशन कैसे हुआ, तो उसमें एक्ट चेंजेस पूछे जाएंगे। एक्ट में चेंज किया गया जिसके तहत जो ट्रायल्स के मेथड हुआ करते थे कि अगर कोई किसी तरह की क्रिमिनल एक्टिविटी में पाया जाता है तो उसके पहले चार्जेस फ्रेम करके उसको ट्राई करना है, ट्रायल के बाद सुनवाई का मौका होगा, उसे एस्टेब्लिश करना है कि उसने ये क्राइम किया है, कन्विक्ट जो है, और इसके बाद फिर उसे पनिशमेंट देना है। इट इज़ अ लॉन्ग प्रोसीजर, और एक तरह से इसको ख़त्म करके मार्शल लॉ लगाने की कोशिश की गई, यानी कि बहुत सारे लोगों को ऑथोराइज कर दिया गया कि आप किसी भी वे में किसी भी विद्रोही को ट्राई कर सकते हो और पनिश कर सकते हो। इवन छोटे से छोटे रैंक के ऑफिसर को ऑथोराइज़ किया गया, क्योंकि बहुत सारे जुडिशियल सिस्टम की ज़रूरत थी इस समय, फटाफट लोगों को ट्राई करके, जैसे दो दो घंटे का ट्राई करके गोली मार देना या दो दो घंटे का ट्राई करके उल्टा टांग देना। तो इसी तरह से जिस तरह से भारत माँ आपके सामने बेड़ियों में खड़ी है और ऊपर से लोगों की लटकती हुई लाशें आपको नज़र आ रही हैं, ये इसी भारत का निर्माण उस समय में हो रहा था। तो कुल मिलाकर के मेन स्टोरी यहाँ पर ये थी कि एक्ट में परिवर्तन करो पहले, और इतने सारे जुडिशियल ऑफिसर किधर, छोटे से छोटे ब्रिटिश अधिकारी को ये ताकत दी गई। हैरानी तो तब हुई जब एक नॉर्मल ब्रिटन को, नॉर्मल ब्रिटिश वासी को भी, जो कोई ऑफिशियल डम का पार्ट नहीं है, उसे भी ऑथोराइज कर दिया गया टाइम बिंग कि तुम भी अगर किसी तरह कोई क्राइम भांपते हो या तुम्हें कोई ऐसा बंदा मिलता है तुम भी उसको कंटेम्प्ट में ले सकते हो और ट्राई करके पनिशमेंट दे सकते हो। तो ये चेंजेस किए गए जिसके तहत रैपिडली इसे क्रश किया जाए। अगला चेंज ये किया गया कि भारी भरकम रीइन्फोर्समेंट कहाँ से मंगाई गई, ब्रिटेन से। तो ब्रिटेन से, लंदन से भारी भरकम रीइन्फोर्समेंट आई समुद्री रास्तों के वाया। जब वो रीइन्फोर्समेंट बंगाल में आकर के उतरी तो सेना की डायरेक्शन उस दिशा में की गई। तो एक्ट और रीइन्फोर्समेंट के साथ और समर्थन के साथ आगे बढ़े। 7 मील लंबी वॉर ट्रेन पहुंची, मतलब कि 7 मील लंबी कतार थी, पंक्ति थी अंग्रेजी सैनिकों की जिन्होंने दिल्ली में चढ़ाई की है, और दिल्ली में ज़बरदस्त बुलेट्स, कैनन्स, तोप, हाथी, हर बल का प्रयोग करके 20 सितंबर 1857 को कब्ज़ा कर लिया जाता है दिल्ली के ऊपर, और लाल किले को मुक्त कराते हैं अंग्रेज, और अरेस्ट किया जाता है बहादुर शाह जफर को। ये बात समझ में आई? 20 सितंबर 1857 बहादुर शाह जफर अरेस्टेड, और बहादुर शाह जफर को अरेस्ट करके उनके दो बेटे और उनके पोतों को मार दिया जाता है। बहादुर शाह जफर को हुमायूं के मकबरे में रखा जाता है ला करके, और उसके बाद बहादुर शाह जफर उनकी वाइफ जीनत महल के साथ, जीनत महल उनकी वाइफ थी, उसके साथ उन्हें डिपोर्ट कर दिया जाता है सीधा भारत से म्यांमार, यानी कि बर्मा, और वहाँ पे जगह है रंगून, तो उन्हें रंगून में कैद रखा जाता है। वहाँ नवंबर 1862 में बीमारी और अदर कारणों की वजह से इनकी मृत्यु हो गई। ओके, मैंने शुरुआत में बताया था कि ओवरपावर किया गया किसे, जनरल विलबाय को। दिल्ली के जिक्र में विलबाय का नाम आएगा, ये बात आप याद रखिएगा। दूसरा एक इम्पॉर्टेंट नाम और भी आएगा, ये किसका नाम है, कर्नल हडसन। कर्नल हडसन, क्योंकि मैंने सेंटर बताए, हर सेंटर में विद्रोहियों का नेता बताया, तो क्वेश्चन ये भी है कि किस सेंटर को किसने जीता, किस सेंटर को किसने जीता। तो कर्नल हडसन ने खुद एक एक करके शूट किया बेटों और पोतों को, किसके, बहादुर शाह जफर के। तो दिल्ली कर्नल हडसन के नाम से जानी गई, मतलब उसके द्वारा आज़ियत की गई। आई बात समझ में, ये क्लियर हुआ? कहानी आगे बढ़ती है, तो सितंबर में दिल्ली मुक्त करा ली गई, लेकिन बाकी सेंटर्स को मुक्त कराने में भी समय लगेगा। और ये सेंटर कहाँ कहाँ से,
किस किसने किस तरह से मुक्त कराया, तो पहले अवध पे आ जाते हैं। देखिए, आपसे कभी कोई पूछे तो आप आंसर करेंगे कि विद्रोह सबसे लंबा कहाँ चला, अवध में चला। इसकी कहानी अभी डिटेल में पढ़ाऊंगा क्यों अवध में इतना लंबा चला। अवध से विद्रोह मुक्त कैसे हुआ, जिस समय अवध में विद्रोही सेना के द्वारा, ध्यान रखें मैं विद्रोही, विद्रोह और इस तरह के शब्दों का प्रयोग केवल इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं एक शिक्षक हूँ, शिक्षक की मर्यादा के तहत रहते हुए मुझे इतिहास को तथ्यों से ही बयान करना है और इतिहास के तहत जो गतिविधि जिस तरह से हुई है हमें उन्हीं शब्दावलियों का प्रयोग करना होता है। समय आगे बढ़ेगा ये चीज़ फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस के तौर पर भी बताई जाएगी, लेकिन तब तक के लिए मुझे शब्द विद्रोही इस्तेमाल करना है। ओके, चलते हैं। तो विद्रोहियों के द्वारा वहाँ पर उस समय में जो लखनऊ के कमिश्नर हुआ करते थे उनका नाम था हेनरी लॉरेंस। क्या नाम था? ये मिटा दें दिल्ली, हेनरी लॉरेंस। हेनरी लॉरेंस ने जब जान का खतरा पाया, उन्होंने देखा कि आक्रमण कर दिया जा रहा है, तो हेनरी लॉरेंस के द्वारा अपने जितने भी अंग्रेज साथी थे उनको लेकर के रेजिडेंसी के स्ट्रॉन्ग पैलेस में रख दिया गया, लेकिन हेनरी लॉरेंस मारा गया, बाकी लोग सेव रहे वो मारा गया। इसके बाद इस एरिया को कंट्रोल करने के लिए दो पर्सन और आए जिनमें जेम्स आउटरैम एक इम्पॉर्टेंट पर्सन था, विलियम हेवनलॉक एक इम्पॉर्टेंट पर्सन था। जेम्स आउटरैम एंड हेवनलॉक दोनों ने कोशिश की लेकिन बात नहीं बन पाई। इतने में आता है पर्सन भारत का नया आर्मी कमांडेंट के तौर पर चुना गया, री इन्फोर्समेंट की सेना लेकर के एंटर हुआ, नाम है कॉलिन कैम्बल। कैम्बल ने आने के बाद अवध में विद्रोहियों का सूपड़ा साफ कर दिया, ख़त्म कर दिया। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा लखनऊ और अवध किसने छुड़ाया, कैम्बल। लेकिन कई बार इनके नाम भी आते हैं कि कौन कौन लखनऊ से जुड़ा था। आउटरैम का नाम याद रखना है, हेवलॉक का नाम याद रखना है, कैम्बल का नाम याद रखना है, हेनरी लॉरेंस का नाम याद रखना है। ओके, हेनरी लॉरेंस मैंने बताया ना। ओके, अब अगर हम बात करें तो कैम्बल ने अवध तो छुड़ा लिया, और अगर यूपी के सेंटर्स की बात करें तो अवध ईस्ट में है, तो अब कैम्बल वेस्ट की तरफ छुड़ाने जाएगा ना। तो सिंपल सी बात यह है कि आपसे कोई भी पूछे कानपुर किसने छुड़ाया होगा, कैम्बल। कानपुर किसने छुड़ाया, कैम्बल। अब आपसे कोई ये पूछे कि कानपुर और अवध के वो जो सैनिक थे उनका क्या हुआ और नेताओं का क्या हुआ, तो एक बात आप याद रखेंगे, कुछ इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट्स। बेगम हज़रत महल हाथ नहीं आई किसी की क्योंकि उत्तर प्रदेश को नेपाल का बॉर्डर लगता है, वो नेपाल चली गई, फिर कभी नहीं मिली, नेपाल के जंगलों में चली गई। सेम कहानी नाना साहब जान बचा के निकल गए, नेपाल चले गए नेपाल के जंगलों में, और एक बात बता दूं आज दिन तक नहीं मिले इनकी, कोई सुराग ही नहीं है, कोई खबर ही नहीं कि किधर है 1859 में। इससे इनका वर्चस्व और बढ़ा और आज दिन तक कई लेजेंड है इनकी कहानियों के कि अंग्रेज़ों के हाथ नहीं आए, नेपाल चले गए। ओके, तांतिया टोपे यहाँ से निकले और साथ देने जाएंगे किसका, लक्ष्मीबाई का, ये बात को आपको ख्याल में रखना है। तो तांतिया टोपे अभी ख़त्म नहीं हुए हैं, नाना साहब ख़त्म, कैम्बल ने ख़त्म किया किसको, कानपुर फिनिश। फैज़ाबाद के मौलवी अहमदुल्ला तो उधर ही चले गए थे ना लखनऊ में। अब कहानी आती है बरेली। यहाँ कहीं लिखा था ना मैंने बरेली, फिर से लिख दूँ, बरेली में कौन था, खान बहादुर खान। तो फिर कानपुर से इधर आ रहे हैं बरेली, बरेली भी कौन जीतेगा भाई, कैम्बल। तो क्या ख़त्म कर दिया, बरेली भी। ओके, तो देखिए अवध कानपुर बरेली कैम्बल के द्वारा जीत लिए गए, दिल्ली हडसन के द्वारा जीत ली गई, लेकिन बिहार के अभी कुंवर सिंह पड़े हैं, अमर सिंह भी पड़े हैं, आरा, ये किन्होंने जीता, बिहार आरा, विलियम आर्थर, विंसेंट आयर, विलियम आर्थर एंड विंसेंट आयर,
इन दोनों ने मिलकर के बिहार जीत लिया, मतलब ख़त्म। अलाहाबाद और बनारस में भी विद्रोह का बिगुल फूटा था। अलाहाबाद और बनारस में किसने दमन किया है वो पर्सन इम्पोर्टेंट है, उसका नाम क्या था? अलाहाबाद एंड बनारस, इस पर्सन का नाम है कर्नल नील। कर्नल नील, इसका नाम आपको याद रखना है। ओके, अब क्या रह गए हैं? झांसी। झांसी की अगर हम बात करें तो इसे ख़त्म करने वाले कौन हैं? ह्यूरोज। कौन? ह्यूरोज। ह्यूरोज रानी झांसी लड़ते हुए पहले झांसी से निकली, छोड़ना पड़ा उन्हें झांसी, लेकिन हैरानी की बात है रानी झांसी ने ग्वालियर फतेह कर लिया था और वहाँ जा कर के इन्हें फिर ह्यूरोज के द्वारा डिफ़ीट किया गया। रानी झांसी 1858 17 जून को वीरगति को प्राप्त हुई। ओके, ह्यूरोज का नाम याद रखना है रानी झांसी के मामले में। बस इसी तरह से अवंतीबाई लोधी का भी खात्मा हुआ, कोई पर्टिकुलर लीडर वहाँ पर बताया नहीं गया। हमने सभी लीडर डिस्कस कर लिए, सेंटर हमने विद्रोह के देख लिए, हर विद्रोह के सेंटर के नेता देखा, हर विद्रोह के सेंटर को ख़त्म किसने किया ये भी देखा। जितने अंग्रेजी लोगों के नाम आए हैं नाम याद रखने हैं। हडसन दिल्ली से जुड़ा हुआ है, ह्यूरोज कहाँ से जुड़ा हुआ है? झांसी से जुड़ा हुआ है। कैम्बल लखनऊ बरेली और कानपुर से जुड़ा हुआ है। विलियम आर्थर और विंसेंट अय्यर बिहार से जुड़े हुए हैं और कर्नल नील जुड़ा हुआ है बनारस अलाहाबाद से। ये सारी बातें याद रखनी है। ओके, विद्रोह शुरू हुआ, विद्रोह ख़त्म हुआ। कब ख़त्म हुआ? सितंबर 1857 में ही। दिल्ली तो छुड़ा ली गई थी लेकिन उसके बाद समय लगा। तांतिया टोपे झांसी से निकल करके सेंट्रल इंडिया के जंगलों में चले गए, मध्य प्रदेश के जंगलों में चले गए। जंगलों में रह जाने के बाद उन्होंने लंबे समय तक गुरिल्ला वार की अंग्रेज़ों से और अंग्रेज़ों को ह्यूमिलेट करते रहे, लेकिन सिंधियाओं के मुखबिर ने, खबरी ने तांतिया टोपे के ठिकाने की खबर दे दी। ऐसे में तांतिया टोपे गुड फेथ और एक पुरानी फ्रेंडशिप के दम पर वहाँ रुके हुए थे। तांतिया टोपे सोए हुए थे, उन्हें उठा लिया गया और अप्रैल 1859 में तांतिया टोपे को भी एग्जीक्यूट कर दिया गया। यानी कि अप्रैल 1859 में तांतिया टोपे ख़त्म होते हैं। ओके, तो इस तरह से 1857 दिल्ली से लेकर के अप्रैल मई 1859 तक पूरा विद्रोह ख़त्म और पूरे भारत पे वापस से अंग्रेज़ों का कब्ज़ा। ये दो साल तक कवायद चली है एक तरह से। ओके, ये बात क्लियर हुई। विद्रोह शुरू हुआ, सारे सेंटर देखे, विद्रोह के नेता देखे, विद्रोह ख़त्म भी हो गया, देख लिया। विद्रोह का पाथ तो हमने देख लिया, अब सैकड़ों सवालों के उत्तर देने हैं। पहला सवाल ये होता है कि विद्रोह हुआ क्यों? पहला सवाल क्या है? विद्रोह हुआ क्यों? अब हम उसका जवाब देंगे। हमें 1857 के विद्रोह के पीछे की पृष्ठभूमि को समझना होगा कि ये सब हुआ क्यों, कितने डाइवर्सिफाइड लीडर्स ने पार्टिसिपेट किया, वो सब यहाँ से समझ आएगा। देखिए, आज की डेट में आपके घर में प्रिंटर्स हैं, उन प्रिंटर्स में आप रीफिल डालते हैं कार्ट्रिजेस। अब मुद्दे की बात यह कि आज तो प्लास्टिक है, आप इंक को प्लास्टिक के कवर में डाल के ही इंसर्ट करते हैं ना, उसे कार्ट्रिज कहते हैं। जिस ज़माने में प्लास्टिक नहीं होता था उस ज़माने में सॉलिड मटेरियल या फिर पाउडर मटेरियल किस तरह के पैकेट्स में पैक होंगे, ये एक ज़रूरी चीज़ है। तो चमड़ा इस्तेमाल होता था, लेदर इस्तेमाल होता था, अलग अलग तरह का। दूसरा तरीका ये भी होता था कि आप टेक्सटाइल या पेपर, इन चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, नेचुरल रबर का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन इसको इस्तेमाल करने से पहले इसको आप खास तरह के मटेरियल से पास करते थे, तो एक ग्रीसी सरफेस क्रिएट होता था, जैसा कि सरफेस एकदम ग्रीस्ड है। जैसे आज की डेट में बहुत सी चॉकलेट्स पेपर में, रैपर में कवर होकर के आती हैं, तो आपको लगेगा वो पेपर बड़ा चिकना सा होता है, आप उस पर कभी हाथ लगाना, उसको प्रोसेस किया होता है। इसी तरह से समुद्र का रास्ता है और लंदन से चीज़ें भारत आनी है, काफ़ी लंबा समय लगने वाला है इन चीज़ों को भारत आने में। तो उस समय में ब्रिटिश आर्मी की स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए एक नए तरह की बंदूक शामिल की गई थी, जिसे हम कहते हैं एनफील्ड राइफल। एनफील्ड राइफल शामिल की गई थी और इस एनफील्ड राइफल में जो कारतूस डलता था, यानी कि जो कार्ट्रिज डलता था,
इसको उसी तरह के मटेरियल से कवर करना है, क्योंकि समुद्री रास्ते में ओशियन में मॉइस्चर्स बहुत हैं और मॉइस्चर इस मसाले को, जो कार्ट्रिज का कारतूस का मसाला है, उसे टच नहीं होना चाहिए, वरना मसाले की जो इफ़ेक्ट है वो कम हो जाएगा या हो सकता है काम ही ना करें। इस वजह से इसके ऊपर चमड़े की कवरिंग चढ़ाई जाती थी और वो ग्रीस्ड होता था, वर्क किया होता था उस पर, और वो काऊ और पिग से लिया जाता था, ऐसा माना गया है। इसके तहत ये कार्ट्रिजेस भारत में आई और इसी को काटने को लेकर के ही इंस्टिगेट हुआ सारा रीज़न, यही माना गया कि इसने चला दिया, इमीडिएट रीज़न ये माना गया, इज द इमीडिएट रीज़न। ओके, लेकिन बहुत सारी बाद में किताबें लिखी गई हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जेरेमी बेंथम ने कुछ लिखा है और उनका मानना यह है कि एक कार्ट्रिज साम्राज्य गिराती या बनाती नहीं है, एक बंदूक का इस्तेमाल इतना नहीं कर सकता, एक सिपाही मिटने से ये नहीं होता, इसके पीछे कारण समझने पड़ेंगे। और ये अपने आप में एक पूरा अपराइजिंग था, उनका मानना ये है। अपराइजिंग कैसे हुआ, इतने अलग सेगमेंट से सपोर्ट कैसे मिला, ये सारी चीज़ों को समझने के लिए कुछ कंसेप्ट समझते हैं। देखिए, ब्रिटिशर्स 1600 में क्वीन एलिजाबेथ ऑफ द ब्रिटेन ने एक रॉयल चार्टर इशू करके ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को मोनोपोली ट्रेड करने की परमिशन दे दी इंडिया के साथ, कि कोई और व्यापार नहीं कर सकता। इसके तहत 1602 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में एडवेंट हो गया और 1605 में मछलीपट्टनम में उनकी पहली फैक्ट्री भी लग गई। इसके तहत उन्होंने अपना काम करना शुरू किया। शुरुआत में ये एक ट्रेडिंग कंपनी के तौर पर आए थे, लेकिन ये एक अकेले ट्रेडिंग कंपनी के तौर पर नहीं आए थे, इनके साथ बहुत सारे वॉर ट्रेन आई थी, पूरी के पूरे वॉरियर्स आए थे, आर्म्स एंड एमिनेशंस और फाइटर्स भी इनके साथ आए थे, सोल्जर्स भी आए थे, क्योंकि इन्हें अदर यूरोपियन राइवल से भी लड़ना था। रास्ते में जितनी भी ह्यूमिलेशंस इन्हें झेलनी पड़नी थी, कई तरह के रास्ते में पायरेट्स हैं, अलग अलग जगह पे जहाज लूट लिए जाते हैं, उनसे लड़ना है। भारत में आ रहे हैं, एक स्ट्रेंज कंट्री है ना, हॉस्टिलिटीज़ हो सकती है वहाँ पे, उन लोगों से निपटना है। और जो पहले से ही पुर्तगाली आकर के बैठे हैं, डच आके बैठे हैं, बाद में फ्रेंच भी आएंगे, अदर यूरोपियन राइवल से भी इन्हें फाइट करनी है, अपना एज प्रूव करना है। ऐसे में इनके साथ सेना के हथियार ये सब आया करता था। तो एक सिंपल कंपनीज़ नहीं हुआ करती थी जो सिर्फ ट्रेड करने जाती थी। भारत में आने के बाद अब इनके सामने क्या परिस्थितियाँ थी, तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि इनके पॉलिटिकल इम्पैक्ट क्या रहे, वो पॉलिटिकल रीजंस, पॉलिटिकल ग्राउंड्स क्या हैं। तो पॉलिटिकल कॉज के तहत मैं इसे दिखता हूँ, जिसकी वजह से 1857 का रिवॉल्ट हुआ। भारत में उस समय तक मुगल साम्राज्य, जब ब्रिटिशर्स भारत में आए, बहुत मजबूत स्थिति में हुआ करता था। जिस समय ब्रिटिशर्स भारत में आए, भारत में उस समय अकबर का शासन था, अकबर के बाद जहांगीर यहां पर शासन संभालेगा, जहांगीर के बाद शाहजहां आपको नजर आएगा, शाहजहां के बाद औरंगजेब। तो 1707 तक तो सब कुछ बहुत ठीक था, लेकिन उसके बाद जो केंद्रीय मुगल शासन है वो वीक हो जाएगा और पूरे जो पैन इंडियन मुगल एम्पायर था वो दिल्ली तक सीमित हो जाएगा, और जो उसका अर्स्टवाइल एरिया था जिस पर वो कंट्रोल रखता था, वहाँ पर मुगलों के ही गवर्नर इंडिपेंडेंट हो जाएंगे और इंडिपेंडेंट रीजनल स्टेट्स निकल करके आएंगे। पूरे भारत में आपको अलग अलग इंडिपेंडेंट रीजनल स्टेट्स दिखने लगे, ठीक है, मैसूर नज़र आ गया हैदर अली के तहत, बाद में टीपू सुल्तान के तहत निज़ाम नज़र आ गए, हैदराबाद के निज़ाम, मैसूर, टीपू, उसके बाद वेस्ट में सारा मराठा पावर, मराठा यहाँ इंडिपेंडेंट हो गए, उसके बाद बंगाल के नवाब, काफ़ी बड़ा एरिया इनके पास था बंगाल नवाब के पास, उसके बाद अवध नवाब थे यहाँ पर, उसके बाद यहाँ पर रोहिल्ला पठान दिल्ली और बाकी उसके आसपास के इलाकों में जाट हुआ करते थे, ये बहुत इंपॉर्टेंट पावर थी। पंजाब में सिख नज़र आते हैं, ऊपर अफ़गान, इधर सिंध के अमीर, ऊपर अफ़गान के पठान, उसके बाद ये सारा जितना भी सेंट्रल एरिया, बाकी सारा एरिया ये कुछ हैदराबाद के निज़ाम के कंट्रोल में, कुछ मराठा के कंट्रोल में, राजस्थान के सारे एरिया में राजपूताना नज़र आते हैं। इस तरह से अलग अलग लोकल रूलर्स, आपने देखा, रीजनल स्टेट्स निकल करके आए, क्योंकि वीक हो चुका है सेंट्रल मुगल एम्पायर, लेकिन मुगल एम्पायर अभी भी सिम्बॉलिकली हाई रिस्पेक्ट में रखा जाता है और सभी रीजनल स्टेट्स एक तरह से उसी को रिप्रेजेंट करते हुए अपना ऑटोनॉमस इंडिपेंडेंटली अपने अपने रीजन में बिहेव करते हैं और अपनी एडमिनिस्ट्रेशन, अपनी इकोनॉमी को मैनेज करते हैं। ब्रिटिशर्स ने शुरुआत में जब भी स्ट्रॉन्ग मुगल एम्पायर होता था 1602-1605, तो 1707 तक तो अपना प्रसार प्रचार सब दक्षिण में ही किया, क्योंकि दक्षिण तक मुगलों की पकड़ उतनी मजबूत नहीं थी और दक्षिण में छोटे छोटे भारतीय शासक हुआ करते थे जिनके बीच की अपनी आपसी राइवलरी का बेनिफिट ब्रिटिशर्स को लगा हम उठा सकते हैं।
लेकिन एक्चुअल फेज स्टार्ट होता है 1707 के बाद। मुगल बादशाह के दरबार में कोर्ट पॉलिटिक्स बहुत स्ट्रांग हो गई, अलग अलग फिरके, अलग अलग धड़े आ गए वहाँ पे, फैक्शंस, कोई ईरानी दल, कोई तुर्रानी दल, कोई अफगानी दल, कोई हिंदुस्तानी दल, उन सभी ने किंग मेकर की पोजीशन अचीव कर ली। और मुग़ल बादशाह के बाद उसका बेटा, फिर बेटों के बीच की लड़ाइयाँ, कौन किंग बनेगा ये वो सारे फैक्शन डिसाइड करने लगे। जो फैक्शन जिसको सपोर्ट करता था वही रूलर बन जाता था। इस तरह से मुग़ल दरबार कमज़ोर पड़ने लगा और मुग़ल दरबार के बच्चों की आपसी युद्धों का फ़ायदा उठा